हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाना। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास है। यहाँ पर हमने टूटी फूटी केक बनाया है, वो भी कितने झटपट। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पर हमने केक के सारी रेसिपीज अपलोड किए हैं, केक प्रीमिक्स, चॉकलेट प्रीमिक्स, प्लम केक, फ्रूट केक। तो आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो आप ऊपर का आइकन बटन क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितना यम्मी और कितना डिलीशियस दिख रहा है और कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा भी जला नहीं है और इसकी लेयर वगैरह, इसकी जाली वगैरह देखिए कितना परफेक्ट आई है और कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये एक बर्तन ले लियो। यहाँ पर मेरे पास केक का टिन नहीं है, तो आप इस शेप का कोई भी ले सकते हैं, राउंड में आपको जैसा शेप का चाहिए वैसा। यहाँ पर हम थोड़ा से ऑयल लगा लेते हैं और इसके ऊपर बटर पेपर लगा लेंगे। ये बटर पेपर कैसे बनाना है इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या हमने घर पर ही बनाए हुए हैं। ये देखिए इसे ऑयल से अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे साइड से, और अगर आप चाहो तो साइड से भी बटर पेपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ नीचे ही लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें सारी चीजें रेडी करके रखना है पहले, जैसा कि मैंने ये करके रख दी हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बड़ा एक बर्तन रख दी हूँ, आप चाहो तो कुकर भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने रखी हूँ ये कुकर की तरह ही है। यहाँ पर मैंने पहले ये नमक यूज कर चुकी थी, वही वाला नमक मैं इसे फिर से यूज कर रही हूँ। यहाँ पर एक स्टैंड रख दी है, अभी हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। यहाँ पर हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से प्री हीट होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये स्पून के हिसाब से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने टूटी फूटी ली हूँ। यहाँ पर मैंने एक ही कलर का यूज करी हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पर मल्टी कलर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून यहाँ पर फ्लोर डालेंगे, आटा, मैदे का आटा, आप कोई भी आटा डाल सकते हैं, और इसे मिक्स कर लेते हैं। आप कभी भी टूटी फूटी का केक बनाओ तो इस तरीके से ही करके डालिएगा, तो बहुत ही परफेक्ट बनता है। अगर आप डायरेक्ट डालते हो तो ये वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, आप इस तरीके से आटे में मिक्स करके डालोगे तो पूरे केक में हर एक बाइट में आपके टूटी फूटी आएगी। ये देखिए हमने इसे परफेक्टली मिक्स कर दिए, अभी हम इसे भी साइड में रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डालेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर एक ये रख लेते हैं जाली, जिसके ऊपर हम इसके अच्छे से छान कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदे का आटा लियो, ये कप के हिसाब से 1.5 कप है, और यहाँ पर 3/4 कप हमें चीनी लेना है। यहाँ पर मैंने पीसी भी चीनी ली हो, अब लीजिएगा ये भी डाल देते हैं इसमें, और 2 चम्मच यहाँ पर स्पून कॉर्नफ्लोर आटा डालेंगे। अगर आप चाहो तो पहले प्रीमिक्स पाउडर बना के रख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर लेंगे और 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर हम बेकिंग सोडा लेंगे। अभी ये ड्राई चीजों को हम अच्छी तरह से इस तरह से छान कर लेते हैं। आप कभी भी केक बनाने के लिए पहले से छानिएगा तो ही ये परफेक्ट बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से छान कर ली है। ये देखिए कितना फाइन हुआ है ना, ये इस तरीके से ही आप अक्सर इसे छान कर लीजिएगा, उसके बाद में ही बनाइएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदे के आटे के हिसाब से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ली हूँ, जो नॉर्मल विदाउट फ्लेवर वाला होता है ना, वही लेना है हमें। अगर आप जो 1.5 चम्मच है ये, और ये जो छोटा स्पून होता है इसके हिसाब से 2 चम्मच है, और इसके अंदर हम एकदम 1 टीस्पून यहाँ पर लेमन जूस डालेंगे, इससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए डालते हैं ये। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये देखिए ये अच्छी तरह से अभी हमने मिक्स कर लिए है। अभी हम इसमें ये जो 3/4 कप दूध लिए है इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये प्रोसीजर बहुत ही स्लो करना है, आपको एकदम फास्ट स्पीड में नहीं करना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा दूध करते हुए यहाँ पर हमने पूरा डाल दिए। ये देखिए इस तरह का ही होना चाहिए। जब आप इस तरीके से करते हो ना तो स्पून से, ये देखिए कुछ इस तरह का आ रहा है ना, इस तरह का अगर बैटर रहता है तो जो आपका केक है बहुत ही परफेक्ट बनता है। ये देखिए ये चीज आ गई, यानी कि ये परफेक्टली आपका केक बनने वाला है। यहाँ पर अभी हम ये स्टेज में आकर वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। आपको जो फ्लेवर चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लगभग 3 बूंदी ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। यहाँ पर मैंने ये कप से ही 1.5 कप मैदे का आटा ली थी, वही कप से मैंने 3/4 कप दूध ली हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्रीमिक्स बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्टली हो गया है ना। अभी हम टूटी फूटी ऐड करेंगे जो हमने मिक्स करके रखे हुए हैं। ये देखिए परफेक्टली आहिस्ते से इसी तरह से करना है आपको, ताकि ये पूरे बैटर में अच्छी तरह से आपकी जो टूटी फूटी है वो लग जाए। ये देखिए बस इस तरह से एक बार आपको चलाना है स्पून से। ये देखिए परफेक्टली हो गया है ये। अभी जो हमने यहाँ पर बटर पेपर लगाकर रखे हुए हैं, ये बैटर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए आपको बैटर अगर चेक करना है तो जब आप ये डालते हो ना, तो ये देखिए कितना परफेक्टली आ रहा है ना। यहाँ पर अभी हम पूरा बैटर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने पूरा बैटर डाल दिया। अभी हम इसे 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी एयर है वो निकल जाए। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से टैप कर लिए है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी डालेंगे। यहाँ पर मैं एक ही कलर का बना रही हूँ, अगर आपके पास मल्टी कलर है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, तो आप वो भी डाल सकते हैं। बाकी प्रोसीजर आपको पूरा सेम रखना है। आपको माजा से भी कैसे बनाना है, यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आप माजा का भी यूज करके फ्रूट केक अच्छे से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो कुकर है वो प्री हीट अच्छी तरह से हो गया है। यहाँ पर अभी हम ये अपना केक का जो बर्तन है ये इसमें रख देते हैं, और इसे कवर करके हम इसे 40 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर धीमी गैस पर पकाना है। आपको इसका जो कवर है वो एक बार भी ओपन नहीं करना है। अगर आप बीच में से ओपन करते हैं तो ये बीच में से दब जाता है केक, तो इसलिए आप पूरा 40 मिनट्स होने के बाद ही इसे चेक करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ तो ऊपर से ही दिख रहा है ना आपको कितना परफेक्टली रेडी हो गया है। ये देखिए यहाँ पर अभी हम, आपके पास नाइफ है या तो टूथपिक है तो आप स्टिक डालकर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर साइड से नहीं, बीच में से ही चेक करिएगा। ये देखिए कितनी क्लीन आई है, यानी कि परफेक्टली रेडी हो गया है। हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर हम इसे बाहर निकाल कर रखेंगे। ये देखिए परफेक्टली टूटी फूटी के कितना यम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इसे पूरा अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही अनमोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, इसे हम अनमोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक प्लेट रख देते हैं इसके ऊपर, इसे टर्न कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है ये केक। यहाँ पर से हम ये निकाल लेते हैं, कितना इजीली बटर पेपर निकल आया है। इसे हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए सॉफ्ट एंड स्पंजी अपना टूटी फूटी केक रेडी हो गया है। कितना परफेक्ट बना हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। देखिए कितना परफेक्ट आया है। हम इसे कट करके आपको बताते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना हुआ है।
ये लीजिए फ्रेंड्स, सॉफ्ट एंड स्पंजी टूटी फूटी केक रेडी है। आप भी इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करिएगा और आपकी राय हमारे साथ में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।